कोई डेली ब्लॉग या कोई कुकिंग वीडियो नहीं शेयर करूंगी। आज मैं शेयर करूंगी मेरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। तो मैं किस तरह से मेरा ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, बस वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो, ये है मेरा छोटा सा ड्रेसिंग टेबल जिसको मैंने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मैं मेरे घर में जो है उसी चीज़ से करने की कोशिश किया है। मतलब बहुत सारे चीज़ होता है जो घर में आता है और हम लोग फेंक देते हैं, उसी से थोड़ा सा DIY करके या थोड़ा सा साफ़ सफाई करके मैंने कोशिश किया है। बहुत ही कम ऑर्गेनाइज़र मैंने बाहर से खरीदा है, बाकी तो मैं सारे घर की चीज़ों से ही किया है। तो ये है एक ऑर्गेनाइज़र, ये एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र है और ये मैंने बाहर से ख़रीदा है। इसमें लिपस्टिक वगैरह फिर कॉम्पैक्ट सब कुछ एक साथ आ जाता है। और ये भी एक पहले मेरा था, पहले मैंने ख़रीदी थी, तो ये भी एक ऑर्गेनाइज़र ही है और इसमें सिर्फ लिपस्टिक ही होता है, मतलब लिपस्टिक ही आता है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये जितने भी आप देख रहे हो ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक है मेरा, लिप बाम है, अंडर आई क्रीम है मेरा, लिक्विड सिंदूर है और मैं ये डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ। कॉम्पैक्ट है, ब्लशर है, बीबी क्रीम है ये, और पीछे एक ब्रश है। ये दिखने में तो बिल्कुल लिपस्टिक जैसा लगता है पर ये एक ब्रश है और इससे मैं ब्लशर लगाती हूँ। और उसके पीछे है मेरा नेल पॉलिश रिमूवर। बस ये सारी चीज़ है, मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और उसके पास ही है एक लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र, सिर्फ ये लिपस्टिक ही रहता है इसमें और कुछ नहीं होता है। तो जितने सारे मैं लिपस्टिक पार्टीज़ में लगाती हूँ, यह थोड़ा डार्क कलर का है तो ये सारे डार्क कलर का लिपस्टिक इधर है। और ये भी बहुत ही अच्छा है लिपस्टिक, सब लिपस्टिक एक ही ऑर्गेनाइज़र में लिपस्टिक ही आ जाता है सब में, तो ये बहुत ही अच्छा है। और अभी एक है ब्रश होल्डर, और ब्रश मेरा खूब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बस एक ही ब्रश है जो मैं यूज़ करती हूँ, बाकी कोई काम का नहीं है। पर इसमें मेरा सारे के सारे आईलाइनर है, 5-6 आईलाइनर मैं यूज़ करती हूँ, जैसे ब्लू कलर, पर्पल कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, तो ये सारे इसमें आ जाता है। अगर आपके पास मेकअप ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक के घर में होता है बॉक्स, या कोई भी बॉक्स में आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, जैसे कि मैं पहले रखती थी। और ये है एक ब्रश होल्डर, मतलब ब्रश होल्डर मैंने बनाया है, एक कांच का जार है, ग्लास का जार है, तो इसमें भी आप अच्छी तरह से ब्रश रख सकते हो। और ये एक्चुअली डेट्स का बॉक्स है, जो डेट्स आया था इसमें, तो मैंने इसको पहले ऑर्गेनाइज करके रखती थी। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ फिट हो गया है, मतलब जितने सारे मेरे लिपस्टिक हैं, मेरे कॉम्पैक्ट से लेकर मेरा बीबी क्रीम, मेरा लिक्विड सिंदूर, जो जो मैंने आपको दिखाया था उससे पहले, इससे पहले, तो सब कुछ एक साथ एक ही ऑर्गेनाइज़र में सेट हो गया है। और कितना सुंदर भी है देखने में। और ये मेरा बाहर का खरीदे हुए नहीं है, एक्चुअली ये मेरा घर का है और कितना सुंदर लग रहा है। और उसके पास आप देख सकते हो जो मैंने ब्रश होल्डर या तो लाइनर आईलाइनर होल्डर बनाया है, वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल होता है ये सारे चीज़। और इस साइड में आप देख सकते हो मेरा कुछ परफ्यूम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है परफ्यूम का जो बॉटल है इस तरह से सजा के रखने में, बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इस तरह
से सजा के यहाँ इस साइड में रखा है, मतलब ड्रेसिंग टेबल के इस साइड में रखा है। और उसके पीछे आप देख सकते हो कि मिरर है, और इस मिरर एक्चुअली इसमें लेड लाइट है, 24 लेड लाइट है, और ये टच करने से जलता है और टच करने से ऑफ हो जाता है। ये बहुत अच्छा है, ये मैंने पहले एक या दो ब्लॉग में मैंने दिखाया था आप लोगों को, मतलब पुराने जो ब्लॉग है, मेरा ब्लॉग है, तो उसमें मैंने शेयर किया था ये मिरर को। ये बहुत ही अच्छा है, मैंने ये sook.com से लिया था, और इस तरह से मैं इस साइड को सजा के रखी हूँ। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल का जो ड्रायर है, मेरा 3 ड्रायर है, और इसमें ये पहला फर्स्ट ड्रायर है, और इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, और आप देख सकते हो ये डिवाइडर से मैंने डिवाइड कर लिया है। और ये डिवाइडर कहीं भी आपको मिल सकता है, कहीं भी शॉप में आपको मिल जाएगा ये। और मैं वो उस साइड में जो है ये एक क्रीम है, मेरा डे क्रीम है, नाइट क्रीम है, और ये जो मैं फेस पैक लगाती हूँ वो है। और एकदम लास्ट एंड में आप देख सकते हो वहाँ मेरा मेकअप रिमूवर है, और मेकअप रिमूवर मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती हूँ, ये क्लिंजर है। मेकअप रिमूवर मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मैं कोई लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक या लॉन्ग लास्टिंग आईलाइनर लगाती हूँ, तब मुझे मेकअप रिमूवर का ज़रूरत पड़ता है। तो और ये मैंने एक बॉक्स, मेरा योगर्ट का एक बॉक्स था, उसको मैंने DIY करके बनाया था, और इसमें मेरा छोटा मोटा मतलब पैलेट है, आई शेडो पैलेट जो मैं कभी नहीं लगाती हूँ, और मेरा रबर बैंड ये सारे है, और ये मैंने खुद DIY से बना है। ये मैं कभी और दिन आपके साथ शेयर करूँगी मैंने किस तरह से बनाई। ये बहुत ही ईजी है, मतलब घर की चीज़ों से मैं बनाई हूँ। तो ये है यह, और ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ये तो आप लोगों को पता ही है, तो इसका भी मेरा कोई यूज़ नहीं होता है, ऐसा ही पड़ा है। और ये एक छोटा सा ज्वेलरी बॉक्स है, ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ये मैं छोटा मोटा ज्वेलरी रखती हूँ, कभी पार्टी से आती हूँ लॉकर में उठाना भूल जाती हूँ तो जल्दी जल्दी यहाँ रख देती हूँ, तो इसलिए फ़िलहाल तो इसमें कुछ है नहीं। और ये इधर मेरा कॉम्ब है, और कॉम्ब रखती हूँ, और ये मेरा कॉटन पैड है जिससे मैं मेरा मेकअप या अपना फेस को क्लीन करती हूँ। तो पहला जो ड्रायर है बस यही है। तो ये है सेकेंड ड्रायर, और इसमें मैं कुछ डिवाइड करके नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा बड़ा है, और ये एक ऑर्गेनाइज़र मैंने खुद बना लिया है, ये मैंने IKEA से लिया था, और इसमें मैंने मेरा जितने सारे नेल पॉलिश है वो रखी हूँ। मैं नेल पॉलिश का कलेक्शन मेरा बहुत ही कम है क्योंकि मैं बहुत कम लगाती हूँ, तो इसलिए जितना भी है उसको भी मैं एक बॉक्स में रखी हूँ। ये मैंने IKEA से लिया था, बहुत दिन पहले लिया था, 7-8 साल पहले का है, और ये भी IKEA से लिया था, और ये इसमें मेरा बैक क्लिप है, क्लच है, ये सारे चीज़ है, तो इसको मैं इसमें रखती हूँ। और उसके पास एक पाउच व्हाइट कलर को जो आप दिख रहे हो, इसमें मेरा सारे के सारे कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, और जो मैं साड़ी के साथ पहनती हूँ, थोड़ा सा हेवी ज्वेलरी है, और आप देख सकते हो ये बिंदी है मेरा, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करके रखना है मुझे, अभी तो फिलहाल इस तरह से मैं रखी हूँ। और ये कॉम्पैक्ट है, ये ख़त्म हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा बहुत ज्वेलरी वगैरह या चेन ये सब रखती हूँ, ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली भी है, छोटा है, बैग में आ जाता है। और एक ज्वेलरी बॉक्स, ये ज्वेलरी बॉक्स तो है नहीं एक्चुअली, हाँ ये मिरर है, एक छोटा सा मिरर है, और ये एक्चुअली ज्वेलरी बॉक्स तो है नहीं, ये एक्चुअली मैंने ज्वेलरी बॉक्स कर लिया है, मतलब ज्वेलरी मैं इसमें रख रही हूँ। एक्चुअली ये परफ्यूम का बॉक्स था, मेरा एक परफ्यूम था इसमें, तो उसका ये बॉक्स था, तो इसमें मैं अभी छोटा मोटा मेरा इयर रिंग, थोड़ा छोटा मोटा ज्वेलरी जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, वो सारे चीज़ मैं यहाँ रखती हूँ। और ये मेरा एक हेयर मास्क का बॉक्स था जो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें मेरा सेफ्टी पिन, मेरा हेयर क्लिप, छोटा मोटा जो चीज़ जो आसानी से मुझे मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ बहुत गुम जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे कुछ बॉक्स में रखती हूँ तो जल्दी से, मतलब
जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मिल सकता है। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ रखा है, और नीचे भी एक मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसमें मेरा ज्वेलरी एक है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड जो ड्रायर। तो अभी आ रहा है थर्ड ड्रायर, बिल्कुल नीचे का जो है। इसमें मेरा हेयर ड्रायर है, हेयर स्ट्रेटनर है। इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ, सिर्फ स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर। और आप पीछे देख रहे हो कि एक ग्रीन कलर का कंटेनर का बॉक्स है। ये कंटेनर है, मैंने खरीद के रखा है। मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो इसमें फेस वॉश से लेकर मेरा टोनर जो कुछ भी है मैं इसमें ले लेती हूँ। बहुत ही अच्छा है ये। और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये एक कॉटन है जिससे मैं अपना फेस क्लीन करती हूँ। और ये एक बन है, हेयर का बन है, हेयर बन है। बस इतना ही मैं रखती हूँ नीचे के ड्रायर में, और कुछ नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है घर के छोटे मोटे चीज़ों से आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके सब कुछ रख सकते हो। हेलो, तो आपने देखा कैसा लगा? जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी मेरी तरह ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखते हो। अगर रख रहे हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल होता है उसको जरूर क्लिक करना। और ये सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।